तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं जीरो कॉर्नियो ब्रांड वीडियो के साथ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सुपर स्पोर्ट कार ठहरी हैं भाई साहब, जिनमें से लैम्बोर्गिनी, सियान, जेस्को और बुगाटी वगैरह शामिल है। तो रुको जरा, सबर करो। और वो सामने आप देख सकते हैं रैंप्स हैं जिन पर मैंने ये गाड़ी स्टंट करनी है, ठीक है। बारी बारी ये गाड़ियों को लेके जाएंगे, इनमें से स्पोर्ट्स कार और उस साइड पे हमारी सुपर कार ठहरी हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली स्पोर्ट्स कार को लेकर जा रहे हैं भाई साहब। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक के रख देना है। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल, चलो जाके इलाज करो। और अब अपनी हमने इसको फुल एक्सीलेटर दिए हुए, ठीक है। और ये हमारी कार काफी जबरदस्त तरीके के साथ इसने जम कर दी है। और बाकी भाई साहब ये भी चार प्लेन रहते हैं और ये अपना दम तोड़ चुकी है। अब इसको हम क्या ही बोल सकें, लेकिन बहरहाल हम अपनी अगली गाड़ी का बारी आती है वो, उस पर उसको हम अब लेके आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं GTA 5 खेलता हूँ और इसके अंदर मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हो जाए ताकि रोज डेली की डेली जो वीडियो आती है वो आप तक पहुँचती रहे। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेकेंड सुपर्ट कार है उसका स्टंट होने जा रहा है, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि ये उसका रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। लगने में तो काफ़ी VIP जा रही है, मगर नहीं, ये भी वहीं पर याद गिरी है जहां पर पहली स्पोर्ट्स कार गिरी थी। मगर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इनको कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन देते हैं। अच्छा, उनको अपग्रेड करते हैं, मतलब आगे अब एक और कार की बारी है। ये भी काफ़ी VIP कार है, इसको अब हम स्टंट करेंगे। काफ़ी बनी हुई है VIP किस्म की, इनका इनका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हर चीज़ इनके अंदर VIP किस्म की है। अरे कहना क्या चाहते भाई, भी मतलब ये स्पोर्ट्स कार सुपर कार के बराबर जा सकेंगे या नहीं, ये हम इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी VIP किस्म का ये भी उसी जगह पे जाके गिरी है, 19-20 का फर्क नहीं है भाई साहब। अब हम अपनी एक और स्पोर्ट्स कार की बारी है, उसको ला के चेक करते हैं। ये भी एक मिनी स्पोर्ट्स कार है, आप देख सकते हैं ये साइज में छोटी है, स्पीड इसकी काफी अच्छी है। बड़ा हरामी हो बेटा, मगर ये कहाँ तक जाती है ये अब आपने देखना है। और ये हमने फुल एक्सीलेटर, हम हर गाड़ी को फुल एक्सीलेटर दे रहे हैं, कोई धांधली वगैरह नहीं हो रही, बिल्कुल VIP किस्म का पता चल रहा है कि यार हमने बिल्कुल, यही बात है कि ये तो मतलब पीछे रह गई है उन गाड़ियों में से यार। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि हमने कुछ स्पोर्ट्स कार चुनी और कुछ सुपर कार चुनी, ठीक है, इनका आपस में मुकाबले ही हो रहा है, ठीक है। विच इज़ बेस्ट, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो विच इज़ बेस्ट हो रहा है कि विच इज़ बेस्ट सुपर एंड स्पोर्ट्स कार। अरे कहना क्या चाहते, तो हम अपनी एक और स्पोर्ट्स कार लेके जा रहे हैं जो कि बहुत ही हैवी दिखने में लग रही थी। और इसका स्टंट कहाँ तक जाता है, ये भाई साहब बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर की तरह रॉकेट लॉन्च हो चुका है। और ये भी भाई साहब बिल्कुल उसी जगह पे आके मेरा ख्याल में गिरा है। बाकी तीन प्लेन मेरा ख्याल में है, ये उससे आगे नहीं, नहीं उसी जगह भी जा गिरा है। अब हमारी एक और लास्ट जो है, लास्ट हमारी जो ये स्पोर्ट्स कार है इसकी बारी है, इसके बाद हमारी सुपर कार की बारी शुरू हो जाएगी और सब धूम मच जाएगी भाई साहब। तो स्पोर्ट्स कार का स्टंट आपने देख ही चुके लिया है, इसके बाद सुपर कार की बारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सुपर कार पसंद आएंगी और उनमें से सबसे बेस्ट जो कार होगी वो हमने चेक करनी है कि कौन सी है। सबसे पहले पाकिस्तानी मॉडल आता है, ठीक है, आप समझ रहे हो पाकिस्तानी कार कैसी होती हैं, लेकिन होंडा की कार है, मतलब पाकिस्तान में चलने वाली कार है, इसलिए इसे मैं पाकिस्तानी कार कह रहा हूँ। बाकी यार ये कैसे चलेगी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसका हम स्टंट करते हैं और इसको मैंने फुल एक्सीलेटर दी हुआ है। इसकी लुक काफ़ी बेहतरीन है, होंडा सिविक का मॉडल लग रहा है। और ये इसका स्टंट हुआ है और ये कहाँ तक जा पाता है, उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं। और ये स्पोर्ट्स कार के थोड़ा सा पीछे गिरा है, शाबाश बेटा, मतलब स्पोर्ट्स कार का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाया।
मगर चलो कोई बात नहीं, अब हम अपनी अगली जो स्पोर्ट्स कार है रेड अनार है हमारा, क्योंकि इस गाड़ी की लुक है बिल्कुल रेड है अनार की तरह। बाकी भाई साहब ये भी VIP किस्म का एक्सीलेटर के साथ, VIP किस्म के साउंड के साथ स्टंट करने जा रही है। चेक करते हैं ये कहां तक पहुंचेगी, बल्ला आलम के ये कार तोड़ पाएगी या नहीं। लेकिन भाई साहब इसने उससे थोड़ा सा इंच डेढ़ का फर्क है और अपना स्टंट थोड़ा सा आगे कर लिया है। फिलहाल के लिए यही कार हमारी सबसे VIP कार रही है। इसके बाद हमारी जो कार है वो है जी टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी सियान। अब हमारी ये लैम्बोर्गिनी सियान कहाँ तक जाएगी, बल्कि हमारी नहीं ये टेक्नो गेमर्स की, आप समझ रहे हैं टेक्नो गेमर्स की, जो कि उसकी फेवरेट कार है। मतलब अब हमने स्टंट इसका कर दिया और ये वेरी हाई जंप के साथ पहुंची है जी सबसे आगे रिकॉर्ड तोड़ते हुए। इसने लास्ट वन प्लेन जो है वहां तक जंप किया है, इसके बाद एक प्लेन रहता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है यार, अब जबान ही फिसल रही है लगातार बोल के। और चलो कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है बुगाटी की। बुगाटी नाम से ही पता चलता है बुलेट, इसको आम लोग मतलब अंग्रेज वगैरह बुलेट बोलते हैं, क्योंकि ये बुलेट की तरह बिल्कुल बुलेट की तरह जा रही है। और प्लेन तो उसने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं, इसका रिकॉर्ड शायद ही कोई कार तोड़ पाए। ठीक है इस भाई, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, इसके साथ इसकी मतलब एक और बुगाटी ठहरी हुई है वो शायद तोड़े, या मतलब लैम्बोर्गिनी की मॉडल ठहरी हुई है उनमें से कोई गलती करना चाहे तो। बाकी भाई साहब इसके आगे एक और पिगासी का मॉडल है, लग रहा है पिगासी है, इस गाड़ी का नाम पिगासी का, आगे मॉडल मुझे नहीं पता है। बहरहाल इसका स्टंट चेक करते हैं, ये भी काफ़ी VIP लुक के साथ नज़र आ रही है और एक्सीलेटर हमने फुल दे दिया इसको, अब ये कहाँ तक जाती है। भाई साहब VIP किस्म का स्टंट हो रहा है इसके अंदर भी, और ये देखो भाई साहब मतलब गजब का इसने जंप लगाई है, लेकिन ये आगे नहीं जा पाई। इसने स्पोर्ट्स कार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे जंप किया है, उसके बाद लैम्बोर्गिनी सियान से पीछे है। मतलब आपके लिए जो सबसे फास्ट कार है वो बुगाटी हमारी रही है। अब ये हमारी बारी है जेस्को की, इसका नाम है जेस्को, मतलब ये गजब करने वाली है। अब ये जा रही है बिल्कुल, अभी यार ये बहुत ही स्पीड के साथ जा रही है, लगभग 350 की स्पीड होगी, ऐसे तो नहीं होता है। उस 350 की स्पीड को छोड़ो भाई साहब, ये बुगाटी का रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए और ये पानी के अंदर जाके गिर गई यार, भाई कसम से क्या गजब का उसने स्टंट दिया है। शायद ही इसका रिकॉर्ड कोई दूसरी कार तोड़ पाए, जो कि मुझे नहीं लगता। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, क्योंकि मैंने सारी गाड़ियां ट्राई की हैं, सारी गाड़ियां चलाई हैं, हाँ एक कार को छोड़ के जो कि एंड पे ठहरी हुई है, उसका नाम है लैम्बोर्गिनी मिलेनो। तो अब हमारी एक और बुगाटी कार की बारी है, इसको हम स्टंट करके चेक करते हैं, ये भी काफ़ी VIP लुक दे रही है और ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको फ्रंट का भी नज़ारा कराया है। बाकी बहरहाल चेक करें आप इसका स्टंट VIP स्टंट के साथ, और अबे भाई साहब क्या ही गजब का स्टंट था, और ये मतलब दूर तो नहीं गई लेकिन इसे जंप अच्छी की, कोशिश अच्छी की, ऐसे तो नहीं होता। अब हमारी लास्ट वन तो ये थी लास्ट कार की बड़ी है, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी मिलेनो। अब कितने मील दूर जाके गिरेगी। बहरहाल इसकी एक खामी है, जो कि इसका जो ज़मीन के साथ बोनट लगता है, मतलब ये ज़मीन के साथ चिपटी हुई है। स्पीड आप इसकी चेक कर सकते हो, और ये देखा है यहाँ पर इस ये थोड़ी क्रैश हुई है, फ्रंट इसका लग गया, इसकी स्पीड में कमी आई है। मतलब ये गई तो देखो काफ़ी VIP थी के साथ काफ़ी आगे तक आई है, ये शायद ही जेस्को का रिकॉर्ड तोड़ पाती, मगर ये नीचे से लग जाती है।
यार आला आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी यहाँ पर वीडियो का एंड होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और ऐसी मजीद वीडियो मैं चैनल पर डेली लाता रहता हूँ, ठीक है। तो अपने भाई को सपोर्ट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।